नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी इंडियन ऑब्जर्वर के लिए आज मैं सीआई हुंडई पहुंचा हूं और यहां पे जो है एक नई क्रेटा कार का लॉन्चिंग हुई है। क्या है ये क्रेटा, कौन सा मॉडल है, क्या है बताइए आप इसके बारे में। क्रेटा की टॉप एंड मॉडल है, द वेरिएंट इज कॉल्ड एसएक्स ऑप्शनल एंड दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो किस तरह से क्या फीचर्स हैं इसके, कुछ बता दें, फराज आप भी कुछ बता दें इस बारे में कुछ चीज़ें। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो जो पुरानी वाली जो क्रेटा है काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। अगर लेंथ वाइज भी बात करूँ तो 30 mm बड़ी है और विथ वाइज 10 mm बड़ी है ये पुरानी क्रेटा से। आजकल ट्रैफिक को देखते हुए इसका टर्न कितना है वो बता दें आप। टर्निंग रेडियस अभी मेंशन नहीं करा गया है इसमें। अच्छा, दिख अच्छा रहा है, काफ़ी बड़ा होगा, 5 से ऊपर ही होगा। ट्रैफिक को देखते हुए टर्निंग रेडियस अगर बात करें तो कम से कम जगह में जब गाड़ी टर्न होती है उसे टर्निंग रेडियस कहा जाता है, ठीक है। तो वो जहाँ तक 4.8 या 4.9 के आसपास होगा इसका अप्रोक्स। और क्या फीचर है, फीचर्स के बारे में बता दें। इसकी बात करें तो इसके अंदर प्रायो डी हेडलैम्प्स, जितना हेडलैम्प इसके अंदर दिए गए हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर सेगमेंट किसी गाड़ी के अंदर इस सेगमेंट में आए हुए हैं। ओके जी, और क्या है इसके आपको जो अलॉय व्हील्स की बात करें, इसके कुछ डायमंड 17-inch अलॉय व्हील्स इसके अंदर दिए गए हैं। क्या क्या है बता दें आप। इलेक्ट्रॉनिक सीटिंग दी हुई है पूरी। इलेक्ट्रॉनिक सीटिंग एडजस्टेबल इसके अंदर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ उसकी, तो इसके अंदर फर्स्ट इनर सेगमेंट 10-inch टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर विद एवीएन ऑडियो वीडियो नेविगेशन के साथ इसके अंदर दिया गया है। अगर आप ऑन करेंगे मैं आपको बता पाऊँगा इसका डिस्प्ले, यानी कि आपको डिस्प्ले कितना इसका दिया गया है। MID डिस्प्ले से हम कहते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, या आप अपने क्लस्टर पे देख रहे हैं इसका। जी जी, साथ ही साथ इसके अंदर 10-inch का डिस्प्ले जो दिया गया है, इसके अंदर नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्लू लिंक ऐप, ठीक है, ये सब कनेक्टिविटी इसके अंदर दी गई है। साथ ही साथ इसके अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो फर्स्ट इनर सेगमेंट इसके अंदर दी गई है, फर्स्ट इनर सेगमेंट दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो स्पीकर्स दिए गए हैं 8 स्पीकर बॉस के इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि अभी तक इस कैटेगरी में किसी दूसरी गाड़ी में नहीं है। साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अपने मोबाइल को इसके अंदर यहाँ पर रखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, ये एक अच्छी चीज़ है कि आजकल मोबाइल चार्ज करने के लिए सहूलत हो जाती है, लोग आसानी से मोबाइल रख के चार्ज कर सकते हैं। इतने फीचर हैं कि आमतौर पे हिंदुस्तान में उसमें कम यूज में आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ऊपर उनका रूफ टॉप जिस तरह दिया हुआ है, सनरूफ दिया हुआ है, दूसरी चीज़ें दी गई है वो बहुत अच्छी है। एयर प्योरीफायर भी इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है, जिसका पीछे देख सकते हैं पॉल्यूशन वगैरह कितना है इसके अंदर। आपको ये देखिए, ये टच स्क्रीन भी है, फिल्टर साथ लॉक अनलॉक के साथ यहाँ पे दिया गया। इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है आपकी, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर फ्रंट में भी एसी है, बैक में भी एसी है, बट इसकी सीट्स में भी एसी है। आगे की जो दोनों सीटें दी गई हैं फ्रंट की, उसके अंदर भी एसी दिया गया है, कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे कि आप शर्ट वगैरह स्वेट वगैरह नहीं है। क्या होता है आमतौर पे, नहीं तो एसी जो होता है सामने रहता है या पीछे रहता है, सीट के अंदर नहीं रहता, तो लोगों के कपड़े पसीने से वैसे ही गीले हो जाते हैं। जी, तो आमतौर पे इन गाड़ियों में नहीं रहता। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान पहली बार किसी गाड़ी में इस कैटेगरी के अंदर दिया गया है, बड़ी गाड़ियों में जरूर दिया जाता है ये। इसके अलावा कोई खास स्पेशल बात हो इसकी तो बताइए। खास स्पेशल बात इसके अंदर जो मोड्स दिए गए हैं, अगर मोड की बात करूँ तो उसके अंदर ड्राइविंग आप तीन तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप प्लेन रोड पे अलग ड्राइविंग है, ठीक है, स्नो थोड़ी स्लीपी जगह पे अलग ड्राइविंग इसके अंदर दी गई है, रफ रोड पे ऑफ रोडिंग आप प्रेफर करेंगे तो उसके अंदर आप अलग ड्राइविंग कर सकते हैं। तो वो मोड भी इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं ड्राइविंग मोड आप अंदर जी। स्लो में कंफर्ट में इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि अंदर जब लाइट इसकी डिफरेंट होगी। जी जी, आजकल जैसे महिलाएं बहुत गाड़ी चलाती हैं, लड़कियां बहुत गाड़ी चलाती हैं, उनके लिए कितनी कंफर्टेबल है, आपने चलाई आप बता दीजिए थोड़ा सा, ये आपने चलाने के बाद क्या महसूस किया इस गाड़ी को, आपकी राय में। कंफर्ट तो है ऑफ कोर्स, इजीली एडजस्ट हो जाती है, स्टीयरिंग व्हील आप ऊपर नीचे, मेरे लिए वो नंबर वन था कि स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट होती है, सीट ऑफ कोर्स, म्यूजिक सिस्टम
इज अ नंबर वन फॉर मी, क्योंकि 8 स्पीकर हैं बोस के इन द कार एंड वायरलेस चार्जर भी बहुत कन्वीनियंट था. अदर देन दैट, फॉर पीपल जो नई ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके लिए हाईलाइट करना चाहती हूँ दो चीजें. एक तो कि रेयर सीट्स में आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं, एंड सेकेंडली इनबिल्ट स्क्रीन्स बने हुए इन द कार, तो आप यू नो वो रिमूवेबल की वो दिक्कत चली गई कर्टन्स की. चलिए, तो इस देश के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और भोपाल वालों के लिए स्पेशली अच्छी बात है कि भोपाल की जिस तरह से रोड है ये, उसके लिए बहुत अच्छी कार है. मैं शशि कुमार केसवानी, इंडियन ऑब्जर्वर के लिए.